धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। अलीना, जस्ट अलीना। आज तक सरनेम यूज करने का मौका नहीं मिला। मम्मी बचपन में मना करती थी। पिताजी कौन है वो आज भी रहस्य है। माँ एक बड़ी सी कंपनी की पार्टनरशिप में थी, पर 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में माँ की अचानक से मौत होने के वजह से सब कुछ कैसे धुंधला सा हो गया। तीन साल से कंपनी में अपना अस्तित्व रखने की कोशिश कर रही हूँ। लीगल स्टेप लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए लाइफ का पहला फेज से हट गई। अब सेकंड इनिंग्स, देखते हैं अब क्या होता है। फिर से हार जाऊंगी या फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगी। लेकिन सादा सीधा लोगों की करीब आना चाहती हूँ। लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस देख ली, शहर से आज बहुत दूर आ गई हूँ। लाइफ में बहुत एम्बिशंस थे, पर इतना सब कुछ के बावजूद भी बस दिखावे के लिए एक फॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ। फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल बातचीत एट्सेट्रा। पर अभी लग रहा है कि एक आजादी की खुशबू आ रही है। एक मिनट मैम, मैं खोल लेता हूँ। आइए मैम, आइए। मैडम चलता हूँ। ओके, थोड़ा गर्म पानी और एक कप चाय लेके आओ। ओके मैम।
क्या हुआ? अंदर आओ। कुछ कहना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। स्ट्रेंज। रूम क्लीन करना है। हाँ आओ। Down to the river.
हो गया मैडम, चलता हूँ। रूम क्लीनिंग सुबह कर दिया करो। ठीक है मैडम, कल से कर दूंगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम रविंदर सरकार, सब मुझे रविंद बुलाते हैं। ठीक है मैडम, चलता हूँ। अब एक ट्राई लेना ही पड़ेगा, बोल के ही देखता हूँ क्या और होगा। जब इतना छोटी छोटी ड्रेस पहनती है, एक बार बोलने से ही बिस्तर में लाइफ बन जाएगा मेरा। क्या अनोखा स्वाद होगा मैडम का बदन में। अब क्या हुआ? नहीं मतलब कुछ छोड़ के गए हो क्या? हाँ, वही बाल्टी और कपड़ा छोड़ के गया था। आओ। Disgusting. मुझे लगता है तुम वो कपड़ा किसी और जगह पे रख के आए हो। मुझे भी वही लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। Disgusting. कौन? Okay, madam. Please don't call me madam. Call me Alina. मुझे अलीना कहो, मैडम नहीं। आज एक अच्छा दोस्त मिला है। कितना सादा सीधा, कितना प्यार है उसकी आंखों में, कितनी सारी अनकही बातें हैं उसकी आंखों में, पर जाहिर नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। आज बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। Thank you.
बहुत अच्छा काम किया, ये लो पैसे, फिर जरूरत पड़ने से बुलाऊंगा। मैं एक एक्टर हूं और एक्टिंग मेरा पेशा है। एक्टिंग एक्टिंग तक ही रहे तो अच्छा है, किसी को धोखा देना मेरा काम नहीं, इसीलिए ये काम मैंने प्रोफेशनली किया, मेंटली नहीं। आइंदा धोखाधड़ी का काम हो तो मुझे मत बुलाना, आई बात समझ में?